सो हाय हेलो नमस्ते, हम असम से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे नए ब्लॉग पे। और गाइस आज हम लोग बताने वाले हैं कि हम दोनों ने भाग के शादी कैसे किया। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहली बात तो हम दोनों का मुलाकात कैसे हुआ, तो इसको मेरे सबसे पहली बार ये जब ट्यूशन जा रही थी और हमारा मौसी का घर भी, बड़ी मौसी का घर भी इसी के गाँव में पड़ता है, तो मैं अपनी बड़ी मौसी का घर में जा रहा था और ये शाम को अपना ट्यूशन जा रही थी, तो अभी मैंने इसको देखा था और तब से मतलब इसको देखते ही मतलब पहली बार में क्रश बन गई थी। और अब तू मुझे बता कि मैं तुझे पहली बार कहाँ पे दिखा था। अब जब पहली बार आपके भाई के साथ हमारे गांव पे क्रिकेट खेलने के लिए आई थी तभी मैंने वहाँ पे आपको देखा था। और क्रिकेट ग्राउंड मतलब इन लोगों के घर के सामने ही पड़ता था, तो मैं अपने बड़ी मौसी के घर में गया था और मैं अपने भाई को लेके उसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए गया था। एंड तब तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पहचानता था, अभी तो नहीं पहचान। हाँ, ये भी मुझे नहीं पहचानती थी और तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ये कौन है, ईसा नाम की कौन लड़की है। और जब मैंने देखा था पहली बार इसको, तो उसके काफी सालों बाद मतलब देखा था, एक दो साल बाद में इसको देखा था, जब ये ट्यूशन जा रही थी तब मैंने इसको देखा था। एंड वहां पर हमारे ही मतलब कुछ रिलेटेड थे, तो उन्होंने कहा था कि ईसा बहुत ही अच्छी लड़की है, ईसा के साथ शादी करना, तो मतलब तब से मतलब एक क्रश बन गए, मतलब मुझे करना है शादी करना है तो मतलब इसी के साथ करना है। ओके, और मतलब लिटरली काफी हंसी आता अभी मैं सोचता हूँ तो। और मेहक सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, और मेहक सीरियल में मतलब वो लड़की थी ना जो हीरोइन मतलब थी ना, उसमें रोल करती थी, हाँ मेहक है, तो उसको मैं हमेशा देखा करता था, वो सीरियल आता था तो मैं उसको देखा ही करता था, क्योंकि ये भी थोड़ी मोटी थी और वो भी थोड़ी मोटी थी तो मैं उसको हमेशा देखा करता था क्योंकि वो ये जैसी लगती थी। ओके, तो मतलब उसी को देखा करता था और मुझे काफी अच्छा लगता था। और अब बारी आती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में कैसे आए। तो जब मैं बेंगलोर में जाके सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता था, तो इसका नंबर मैंने जैसे तैसे करके जुगाड़ कर लिया। और इन्होंने जब मुझे पहली बार मैसेज किया था तब मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था, क्योंकि इसको पहली बार मतलब फोन मिला था और 12th में जाने के बाद ही फोन मिला था। हाँ, 12th में जाने के बाद इसको जैसे तैसे रो रो के फोन मिला था और इसका भैया ने वो फोन दिला दिया था। एंड फोन दिलाते ही मैं इसका पीछे पड़ गया भाई, और मतलब इसके साथ काफी ज्यादा चैट वगैरह करता था मैं, और इसको मतलब काफी ज्यादा मतलब फनी मैसेज वगैरह मतलब काफी सारा करता रहता था। और इसके वजह से मतलब मेरा ड्यूटी में भी काफी बार कंप्लेन गया कि ये सिक्योरिटी मोबाइल चलाता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है, लेकिन कंप्लेन करने के बाद भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पहली बार प्यार हुआ था तो मैं जॉब से दूर और इसके प्यार में चूर रहता था। फिर ऐसे ही करते करते ये मुझे बीच बीच पे प्रपोज करने लगे, बट ये बहुत ज्यादा इग्नोर करती थी। एंड जब भी मैं इसको प्रपोज करता था तो मतलब ये कुछ ना कुछ बहाना तो निकाल ही लेते थे कि नहीं अभी मुझे ये सब नहीं करना है। और जब मैं इसको मतलब आई लव यू कहने को बोलता था, हाँ, तो ये कहती थी पढ़ाई कर रही थी ना, हाँ ये पढ़ाई कर रही थी, मतलब इसका बहुत ज्यादा नखरा था। ओके, जब मैं इसको आई लव यू कहने को बोलता था तो मतलब ये कहती थी मैं अपने पति को आई लव यू कहूंगी। ओके, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हम सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। एंड वापस हम लोग फ्लाइट से उड़ के अपने घर में आ गए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वारंटाइन वगैरह किया। एंड तब जाके मैंने इसको प्रपोज किया, तो और इसने भी मतलब हाँ कर दिया। ओके, मतलब तब हम लोग बात किया हुआ 8 महीना हो चुका होगा ना शायद से, हाँ 8 महीना तक हम लोगों ने कंटिन्यूअसली बात किया होके, बिना रिलेशनशिप में आए, सिर्फ दोस्ती के हिसाब से। एंड बस मैं इसको बीच बीच में प्रपोज किया करता था, बट ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी, और 8 महीने के बाद में इसने फाइनली एक्सेप्ट कर ही लिया। और हम दोनों मतलब पहली बार मतलब जब ये गर्लफ्रेंड बनी थी ना, तो मतलब मुझे अलग ही टाइप का हो रहा था भाई, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था। ओके, मेरे साथ मतलब कुछ अलग ही लग रहा था कि यार सच में ये गर्लफ्रेंड बनी है या नहीं बनी है, ऐसा लगता था मुझे। और सबसे पहली बार मैं इसका ये वाला फोटो देख के पूरा फिदा हो गया था, मतलब भाई ना हम लोगों ने पहले कभी मुलाकात किया था, ना मैंने इसको सामने से देखा था, ना इसने मुझे सामने से देखा था, बस छोटे में देखा था, और एक फोटो देखते ही मैं पूरा फिदा हो गया। और सबसे पहले इन्होंने जब मुझसे वो फोटो मांगा था तब मुझे बहुत ज्यादा डर, हाँ मतलब ये काफी ज्यादा डरी हुई थी, मैं नहीं दे सकती। और तब हम दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था, तो मतलब जैसे झगड़ा हुआ ना, तो मतलब थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि हाँ अब ये मेरे साथ पटेगी भाई ऐसा लगा था। ओके, तो गाइस आज मैंने आप लोगों को आधा स्टोरी तो सुना दिया, अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि अभी हो चुका है शाम का टाइम, और मैं शाम के टाइम पे मिनी ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ, मतलब मेरा अभी के टाइम पे काफी सारा काम है, तो मैं एक ही ब्लॉग में नहीं ले सकता। अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। आज का वीडियो इतना ही रहा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पे, आज के लिए इतना रहा, बाय बाय।